नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं दशा के फल पढ़ा रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की दशा के फल मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको महादशा के फल पढ़ाए थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि एक ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतरदशा हो तो कैसे फल होते हैं। तो सूर्य में चंद्रमा का तो हमने डिस्कशन कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने ना देखा हो तो कृपया देख लें। आज हम सूर्य में मंगल से स्टार्ट करते हैं कि सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। ये एक ध्यान देने वाली इसके अंदर बहुत जरूरी बात है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ऋषि पाराशर कहते हैं कि सूर्यस्यान्तर्गते भौमे स्वच्छे स्वक्षेत्र लाभगे। यानी सूर्य की महादशा में भौम भौम मीन्स मंगल, मंगल की अंतरदशा। अगर मंगल स्वच्छ राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वय क्षेत्र में हो, लाभ भाव में हो, लग्नात केंद्र त्रिकोणे, लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ कार्यम समाभिषेक, तो ऐसे ऐसे केस में जितने भी शुभ कार्य हैं वो सारे संपन्न होते हैं। अगर मंगल सूर्य की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है और मंगल लग्न से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हुआ है तो उसकी दशा में शुभ कार्य होते हैं। जितने भी शुभ कार्य हैं उनकी पूर्ति होती है। भूलाभम जमीन का लाभ मिलता है, कृषि लाभम कृषि का लाभ मिलता है, धन्य धान विवर्धनम यानी धन धान्य की वृद्धि होती है। ग्रह क्षेत्र दि लाभम घर का लाभ मिलता है, घर का सुख मिलता है। च रक्त वस्त्रादि, रक्त वस्त्रादि मीन्स के लाल रंग के वस्त्र पहनने से भी लाभ प्राप्त होता है, लाभकृत। तो ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। लग्नाधिपने संयुक्त, ये कहते हैं लग्नाधिपेन संयुक्ते सौख्यम राजप्रियम वदेत। यानी लग्न के मालिक के साथ अगर वो बैठा हो, लग्नेश के साथ बैठा हो मंगल, ऐसे केस में केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, स्वय राशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो और लग्न के स्वामी के साथ बैठा हो तो सुख प्राप्त होता है, राजा ही कृपा प्राप्त होती है। भाग्य लाभाधिपि युक्ते लाभश्चैव भविष्यति। अगर भाग्य स्वभाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो लाभ होता है, बहुत लाभ होता है भविष्य में। और किसी सेना का आधिपत्य प्राप्त होता है, शत्रु का नाश होता है, आत्मबंधु का सुख होता है, जितने भी बंधु हैं बांधव हैं सहोदर हैं उनके हर बार के सुख की प्राप्ति होती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि यदि मंगल उच्च राशिस्थ हो, स्वय राशिस्थ हो, एकादश भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो सारे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। भूमि लाभ होता है, कृषि लाभ होता है, धन धान की वृद्धि होती है, ग्रह क्षेत्र आदि का लाभ होता है। और यदि मंगल लग्नेश से युक्त हो तो सुख की वृद्धि और राज सम्मान होता है। और मंगल यदि भाग्य भाग्येश से साथ में हो और लाभाधिपति के साथ में हो तो लाभ की प्राप्ति होती है और भाग्य उज्ज्वल होता है। तो ये सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा के फल। इसके विपरीत अगर मंगल महादशा स्वामी से द्वादश या अष्टम भाव में स्थित हो, देखिए दो चीजें हैं, एक तो लग्न से द्वादश या अष्टम भाव में स्थित होना, एक महादशा स्वामी से द्वादश या अष्टम भाव में स्थित होना। यानी जब महादशा से वो छठे नंबर पे हो, आठवें नंबर पे हो या महादशा से बारहवें नंबर पे हो तो 6-8 का एक्सिस बन जाएगा या 2-12 का एक्सिस बन जाएगा। ये एक्सिस आप समझ रहे होंगे कि महादशानाथ से अंतरदशानाथ छठे स्थान आठवें स्थान पर है तो अंतरदशानाथ से महादशानाथ छठे स्थान पर आ जाएगा तो 6-8 का एक्सिस बन जाएगा। ये दोनों एक्सिस 6-8 के या 2-12 एक्सिस जो है वो अच्छे नहीं होते। उसी के बारे में उन्होंने बोला है कि मंगल महादशा स्वामी से द्वादश या अष्टम भाव में स्थित हो तो पाप ग्रहों से युत हो या द्रष्ट हो, बलहीन हो तो पद हानि, क्रूर विचार, मानसिक व्यथा होती है, कारावास हो सकता है, बंधु नाश हो सकता है, भाइयों से विरोध एवं कार्य में नाश होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल की जो अंतरदशा चल रही है वो महादशा स्वामी से आठवें या बारहवें में स्थित ना हो। अगर आठवें बारहवें में स्थित हो और बलहीन हो, बलहीन कैसे, अशुभ ग्रहों से द्रष्ट हो या पाप कतरी में हो तो पद हानि, क्रूर विचार, मानसिक व्यथा, कारावास, बंधु नाश और भाइयों से विरोध एवं कार्य का नाश होता है। ये इसमें ध्यान देना है। इसके बाद अगर मंगल नीच राशि में है, दुर्बल है तो क्या होगा, तो उसकी धन अंतरदशा में जातक को राजा से धन का नाश यानी गवर्नमेंट से जो धन का नाश होता है, धन का जो भी आपके पास धन है उसका क्षय होगा, उसका नाश होगा। यदि मंगल द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो ऐसे इसमें मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए द्वितीयेश या सप्तमेश मंगल से बचना चाहिए। वो भी एक थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। तो उस केस में भी अगर मंगल द्वितीयेश या हो या सप्तमेश हो तो उसकी दशा में शारीरिक व्याधि या मानसिक रोग हो सकते हैं। ऐसे समय में जब मंगल की दशा हो तो शांति हेतु वैदिक मंत्रोच्चारण, मृत्युंजय महामंत्र का जाप का करना चाहिए या बैल का दान करना चाहिए, तो आरोग्य कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में आरोग्य में आरोग्यता प्राप्त होती है। तो ये मंगल का ध्यान देना है कि मंगल आपका नीच राशि में या निर्बल ना हो। नीच राशि में और निर्बल कैसे होगा कि जब अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, पाप पत्री योग में हो, अशुभ ग्रहों के साथ संयुक्त हो तो मंगल कमजोर हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, और बलहीन होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और मंगल अगर द्वितीयेश या सप्तमेश है तो मैंने आपको बताया कि शारीरिक व्याधि और मानसिक रोग होते हैं। तो ऐसे समय में जो ये बताया गया है कि महामृत्युंजय का जाप या बैल का दान ये सब करना चाहिए, इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो ये था सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। अब आते हैं राहु की, सूर्य में राहु की दशा का फल। उसके बारे में ये सीधा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और साफ सूत्रों में लिखा है कि राहु लग्न से केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो। राहु लग्न से केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित हो, यानी 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में स्थित हो, तो अंतर्दशा के आरंभ में अगर राहु केंद्र में या त्रिकोण में स्थित है तो अंतर्दशा के आरंभ में 2 महीने तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। 2 महीने में धन की हानि होती है, भय होता है, या चोट लग सकती है, या पत्नी और पुत्र के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये 2 माह उपरांत शुभ फल कौन प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। अगर राहु की मंत्र दशा है और राहु केंद्र त्रिकोण में है तो राहु की अंतर दशा में शुरू के 2 महीने तो कष्ट होता है, चोर से भय रहता है, चोट लग सकती है, पत्नी एवं पुत्र के साथ पीड़ा हो सकती है, लेकिन उसके बाद शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि राहु शुभ ग्रह के साथ बैठा हो और शुभ नवांश में हो, तब शुभ ग्रह के साथ बैठा हो मतलब कि राहु शुक्र के साथ बैठा हो, राहु गुरु के साथ बैठा हो, और जिस नवांश कुंडली में जिसमें नवांश में वो है वो भी शुभ नवांश हो, यानी वो भी बृहस्पति का या शुक्र का नवांश हो उस राशि में हो, बृहस्पति या शुक्र की राशि में हो, तो जातक को काया सुख, मानसिक संतुष्टि एवं राजकृपा प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना है राहु का, कि राहु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, गुरु के या शुक्र के साथ बैठा है और शुभ ग्रह के नवांश में बैठा है तो राजाई कृपा प्राप्त होती है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, काया सुख प्राप्त होता है, जातक को शरीर का सुख प्राप्त होता है। राहु लगन से 3रे, 6रे, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो। अगर राहु लगन से 3रे, 6रे, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो और किसी योग कारक ग्रह के साथ हो, योग कारक ग्रह जो मतलब अच्छे भावों का स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र का स्वामी हो, उसके साथ युक्त हो तो बहुत ज्यादा राज सम्मान, भाग्य वृद्धि होती है, यश मिलता है, लाभ मिलता है। अगर राहु 3रे, 6रे, 10वें या 11वें भाव में है और किसी योगकारी ग्रह के साथ, योग कारक ग्रह के साथ संयुक्त है तो ऐसी दशा में बहुत लाभ मिलता है, बहुत राज सम्मान मिलता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी तरक्की होती है, प्रमोशन मिलता है, भाग्य वृद्धि होती है, नेम फेम होता है, लाभ प्राप्त करता है। तो ये राहु की अंतर्दशा के फल हैं जो सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा होती है। इसके विपरीत ये बताया गया है कि राहु अगर महादशा स्वामी से, देखिए महादशा स्वामी से 8वें और 12वें होना बहुत ठीक नहीं होता किसी भी ग्रह का, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है अगर वो महादशा स्वामी से 8वें या 12वें स्थान पर बैठा हुआ है तो उसकी दशा स्थित ठीक नहीं होती। इसी प्रकार से जैसे मंगल का हमने आपको बताया था, ऐसी राहु का भी अगर महादशा स्वामी से अष्टम या द्वादश भाव में अगर वो स्थित है, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो 6-8 का एक्सिस बन जाएगा, 2-12 का एक्सिस बन जाएगा, तो कारावास हो सकता है, तबादला हो सकता है, चोरी हो सकती है, चोट लग सकती है, ये संभावना रहती है। तो इस अंतर्दशा में पशु हानि हो सकती है, भूमि आदि की हानि हो सकती है, रोग से पीड़ा हो सकती है। तो ये ध्यान देना है कि राहु कहीं आपकी कुंडली में महाजस राहु की अंतर्दशा चल रही है वो महादशा स्वामी से 8वें और 12वें भाव में तो नहीं, यानी 6-8 का या 2-12 का एक्सिस कहीं वो ना बना रहा हो, तो ये एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि महादशा स्वामी से 8वें भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि 8वें भाव से अंतर्दशा स्वामी से महादशा स्वामी 6ठे भाव में होगा, तो 6-8 का एक्सिस बन जाएगा। इसके बाद है कि राहु यदि सप्तमेश या द्वितीयेश से युक्त हो, सप्तमेश जो होता है, द्वितीयेश जो होता है, ये सप्तम और द्वितीय को हम लोग मार्ग स्थान बोलते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो राहु यदि सप्तमेश के साथ हो, सेवंथ लॉर्ड के साथ हो,
या सेकंड लॉर्ड के साथ हो तो मृत्यु का भी भय होता है। ऐसी अंतर्दशा में अगर राहु सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी दशा में मृत्यु का ही भय होता है। तो उसकी शांति के लिए दुर्गा पाठ करना चाहिए, झाग दान करना चाहिए, काली गाय का भैंस का दान भी करने से कष्ट दूर हो जाते हैं, निश्चित रूप से सहायक होते हैं। तो ये थोड़े नियम हैं, ध्यान दीजिए कि राहु जिसकी अंतर्दशा चल रही है कहीं वो आपके सेवंथ लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठा। अगर ऐसा बैठा है तो कष्ट कारक होता है, उसकी अंतर्दशा कष्टकारी होती है, तो उस केस में काली गाय भैंस का दान करना चाहिए या दुर्गा पाठ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होती है, वो निश्चित रूप से सहायक होता है। तो आशा करता हूं कि ये सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा के फल आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।